हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस। दोस्तों, हम लोगों ने आज फिर आपके लिए 30 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर लाया है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आएंगे उसको लेके, अगर आपको ये पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे को कमेंट करके बताइएगा। ओके, तो हमारा आज का पहला प्रश्न, CSO का मुख्यालय कहाँ है? ठीक, तो हमारा ऑप्शन है मुंबई, कर्नाटक, नई दिल्ली और चेन्नई। ठीक, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए। हमारा आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या होती है, ठीक, कितनी होती है? तो हमारा ऑप्शन है 206, 300, 400 और 270। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन है 300। ठीक है, नवजात शिशु में 300 होती है और वयस्क में 206 होती है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मछली के लीवर में भरपूर क्या पाया जाता है? ठीक, ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। ठीक, तो क्या पाया जाता है? विटामिन डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राशि अदिश है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? ठीक, तो ऑप्शन है संवेग, आवेग, वेग और चाल। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही उत्तर है चाल। चाल एक सदिश अदिश राशि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगी हुई है? तो हमारा ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो गुजरात से तो लगी हुई है, राजस्थान से भी है, पंजाब से ही है, पर हिमाचल प्रदेश से नहीं लगी है। सही उत्तर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है वाराणसी, पटना, हिसार और पुणे। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर है वाराणसी। नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ ही हाल ही में, कुछ दिन पहले वाराणसी में इसका उद्घाटन किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? ठीक है, हमारा ऑप्शन है 310, 320, 332 और 260। तो सही उत्तर क्या होगा? 332 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अगर पसंद आए तो जरूर इसको लाइक करेगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेगा और हमारा वीडियो पूरा देखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम के अयस्क को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है मोनोजाइट, कैलामाइन, डोलामाइन और मेलाकाइट। तो सही उत्तर है डोलोमाइट। डोलोमाइट को मैग्नीशियम के अयस्क के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मील बराबर होता है, एक मील कितने कितने मीटर के बराबर होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है 0.30 मीटर, 1.8 मीटर, 1 मीटर, 1.60 मीटर। तो आंसर क्या होगा? 1.60 मीटर। दोस्तों, अपने इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इनमें से कौन सा महात्मा बुद्ध से संबंध नहीं रखता है? इसमें कौन सा स्थान है जो महात्मा बुद्ध से संबंध नहीं रखता है? सारनाथ, कुशीनगर, प्रयागराज और लुम्बिनी। तो सही उत्तर है प्रयागराज, महात्मा बुद्ध से संबंध नहीं रखता है। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले कुंभ लगा था, ठीक, जो विश्व में बहुत प्रचलित हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है 8 अप्रैल, 8 मार्च, 5 जून और 11 जुलाई। तो सही उत्तर है 8 मार्च। ठीक, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा और इसको आप जरूर लाइक करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद। कौन है? भीमराव अंबेडकर। बाकी जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृहमंत्री थे और राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गोबर गैस में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? ठीक है, हमारा ऑप्शन है मेथेन, एथेन, कार्बन और प्रोपेन। सही उत्तर है मेथेन। प्रमुख रूप से मेथेन पाया जाता है। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को जरूर से पूरा देखिएगा और आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
ठीक है, तो उज्जैन ऑप्शन है गंगा, यमुना, गोदावरी और शिप्रा। तो सही उत्तर है शिप्रा, शिप्रा नदी किनारे उज्जैन बसा हुआ है। दोस्तों शिप्रा नदी में भी एक कुंभ लगता है, एक कुंभ गोदावरी में लगता है, एक इलाहाबाद में लगता है और एक हरिद्वार में लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ठीक है, तो ऑप्शन है पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, पूरब और पश्चिम। तो सही उत्तर है पश्चिम से पूरब। ठीक, अगर दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के डाउट्स हो दोस्तों, आप जरूर कमेंट सेक्शन कमेंट में बताइएगा हमको। ठीक है, आइए नेक्स्ट, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? ठीक, हमारा ऑप्शन है मातंड, उद्दंड मातंड, हंसराज, सरस्वती और हरिजन। तो कौन सा था? उदन माटन। दोस्तों ये सरस्वती था, ये महात्मा गांधी द्वारा रचित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ऑप्शन हिमाद्री, आर्यभट्ट, गंगोत्री, यमुनोत्री। सही उत्तर है हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव पर भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। ठीक है, आर्यभट्ट हमारा पहला उपग्रह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? ठीक, इसका ऑप्शन डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर शाह अली, अब्दुल अंसारी और के स्वामीनाथन। तो सही उत्तर क्या है? डॉक्टर सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अपने सभी पर्यटक स्थल का नाम पंछियों के नाम पर रख दिया है? तो ऑप्शन हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और आसाम। तो सही उत्तर क्या हुआ दोस्तों? हरियाणा, हरियाणा ने अपने सभी पर्यटक स्थलों का नाम पक्षियों के नाम पे रखा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक, तो ऑप्शन गांधीनगर, जमशेदपुर, ईटानगर और सूरत। सही उत्तर है गांधीनगर। दोस्तों गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है। गांधीनगर गुजरात की राजधानी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, राजा जी पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? ठीक, ऑप्शन जंगली सुअर, हिरण, जंगली हाथी और लोमड़ी। तो किसका है? सही उत्तर है जंगली हाथी। दोस्तों राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, और ये जंगली हाथी का प्राकृतिक आवास है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, विश्व वन जीव कोष का प्रतीक क्या है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है पांडा, हाथी, बाघ और हिरण। सही उत्तर है पांडा। पांडा विश्व वन जीव कोष का प्रतीक सिंबल के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दाचीग्राम वन अभयारण्य भारत का किस राज्य में है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। सही उत्तर है जम्मू कश्मीर। पश्चिम बंगाल में दोस्तों सुंदरवन नेशनल पार्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत के सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? ठीक, ऑप्शन हमारा है डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, मियो और वॉरेन हेस्टिंग। सही उत्तर डलहौजी। डलहौजी ने भारत में सर्वप्रथम रेलवे का शुभारंभ करवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ठीक, ऑप्शन है 1905, 1900, 1901 और 1906। कब हुई थी? 1905 में, 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी सर्वप्रथम। ठीक, आगे बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? ठीक, तो हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और झारखंड। तो सही उत्तर क्या है हमारे दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भारत का सर्वाधिक पशुधन, पशुधन मतलब जानवर, जिसे उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक में क्या परिवर्तन आता है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बढ़ता है। ठीक है, दाब बढ़ाते हैं तो जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, जल्दी उबल जाता है, हमारा खाना जल्दी बन जाता है, इसीलिए पहाड़ पे भी खाना जल्दी बनता है। ठीक, नेक्स्ट, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल में क्या होगा? ठीक, 2% घटेगा, 2% बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा, 4% घटेगा। ऑप्शन सही उत्तर है 2% बढ़ेगा। ठीक है,
अगर आवर्तकाल लोलक की लंबाई बढ़ा देंगे तो उसका आवर्तकाल भी बढ़ेगा, ठीक, वो अंडर रूट पे बढ़ता है। ठीक, पानी के अंदर बुलबुला किस प्रकार का बर्ताव करता है? ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो हमारा ऑप्शन है, सही उत्तर है अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण की तरह व्यवहार करता है, पानी के अंदर बुलबुला अवतल दर्पण की आकृति बनाता है और उसी प्रकार का व्यवहार करता है। नेक्स्ट, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन फैदोमीटर, बैरोमीटर, लैक्टोमीटर और ओडोमीटर। ठीक, तो सही ऑप्शन है फैदोमीटर। ठीक, बैरोमीटर लैक्टोमीटर से हम लोग दूध नापते हैं, दूध की शुद्धता नापते हैं, और ओडोमीटर से डिस्टेंस नापते हैं अपने बाइक में। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर